तो फ्रेंड नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो है फानुक में स्पिंडल ओरिएंटेशन कैसे होता है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरा स्पिंडल अपनी ओरिएंटेशन पोजीशन भूल गया है और एटीसी इसमें फंस गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है एक न्यू बिगनर्स के लिए है। तो न्यू बिगनर जो भी हैं, जो सीएनसी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो आप मेरी इन वीडियो से अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका नॉलेज इंप्रूव होता जाएगा और आप सीएनसी में धीरे धीरे एक मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्या आपको क्या पैरामीटर दबाना है। तो सबसे पहले आपको एमडीआई में जाना है, जैसा मैं प्रेस कर रहा हूँ, एमडीआई में मैंने प्रेस किया। और फिर आपको ऑफसेट की दबानी है। ऑफसेट की में आपको पैरामीटर राइट एनेबल को वन करना है, वन करके इनपुट दबा देना है। जो अभी हम इसमें पैरामीटर डाल सकते हैं, इसलिए हम अनेबल करते हैं। उसके बाद आपको सिस्टम दबाना है, सिस्टम के बाद पैरामीटर 4077। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4077 पैरामीटर सर्च करना है। देखिए 407 में अभी डला हुआ 2150, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपका स्पिंडल किस तरफ मूव करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा करें, जहां पे आपको वैल्यू उसकी सही लगे। जैसे मुझे अभी लग रहा है कि मेरा स्पिंडल जो है थोड़ा सा राइट आएगा, तो मैं उस हिसाब से वैल्यू डालूंगा। अभी मैं जस्ट आपके दिखाने के लिए यहाँ पे 2000 डाल रहा हूँ। बाकी जैसे ही मैं एटीसी को रिकवर करके अपनी एक पोजीशन बनाऊंगा, तो प्रॉपर तरीके से मैं उसका सेटिंग डाल दूंगा। ये जस्ट आपके एग्जांपल के लिए कि 2000 डालने के बाद स्पिंडल किस तरफ मूव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पैरामीटर डाल के धीरे धीरे कमांड डालेंगे एमडीआई में, M03S, जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो स्पिंडल की। जैसे मैंने अभी S200 डाल दिया, मीन्स स्पिंडल की स्पीड डाल दी। और ओरिएंटेशन का वो वैल्यू प्रोग्राम होता है M19 कमांड डाली। और उसके बाद मैं इसको साइकिल स्टार्ट दूंगा। साइकिल स्टार्ट होते ही ये मेरी कमांड देखना कहाँ पे ओरिएंटेशन होता है। तो इसी हिसाब से आप एक ओरिएंटेशन कर सकते हो फानुक स्पिंडल को। धन्यवाद।